हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो सेथ रोलिंस और रोमन रेंस दोनों ही अपना चैंपियनशिप आज के मैच में डिफेंड करेंगे और हमारा रेफरी होगा पॉल हेमन, जो कि स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा। फटाफट हम करते हैं सिलेक्ट दोनों के चैंपियनशिप, पहले सेथ रोलिंस का और अब रोमन के चैंपियनशिप की बारी, और मैच को फटाफट करते हैं स्टार्ट। मैच जब तक स्टार्ट हो रहा है, वीडियो को फटाक से जाके लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो फौरन सब्सक्राइब करके 1K कर दो कंप्लीट। बाकी मैच को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। एक एक फिनिशर दोनों को मैंने दिया है। रिंग बेल बजा दी पॉल हेमन ने, रोमन ने स्पेयर लगाया मगर सेठ ने रोमन का स्पेयर कर दिया रिवर्स। रोमन रेंस ने अपना पहला ही फिनिशर जाया कर दिया और सेठ रोलिंस को, भाई पॉल हेमन क्या कर रहे हैं, फुल बेमानती स्टार्टिंग में ही मैच के। दूसरा पॉल हेमन संभल के, क्योंकि तुम्हारे रेफरी की जो हेल्थ है अगर वो ख़त्म हो गई तो रेफरी हमारा हो जाएगा रिप्लेस। थोड़ा सा स्लो काउंट करेगा, मुझे पता था। कोई बात नहीं, सेथ रोलिंस फिनिशर लगा सकते थे, सेथ अपना मगर नहीं लगाया सेथ रोलिंस ने, कोई बात नहीं। रोमन रेंस ने बढ़िया रिवर्स किया मगर रोमन का रिवर्सल नाकाम, क्योंकि लगा दिया फिनिशर स्टॉर्म सेथ रोलिंस से अपना और कवर करेंगे। खाली सीन चेक करना गाइस के पॉल हेमन क्या करेंगे, देखो कितना स्लो काउंट करेंगे। हाँ ओ भाई, अपने नेल्स चेक कर रहे हैं पॉल हेमन। सेथ रोलिंस बेचारे क्या करेंगे, अपना चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे किसे वो। ये तो मैच बिल्कुल वन साइडेड लग रहा मेरे को। रोमन रेंस की बारी अब, बिग क्लोथ लाइन सेथ रोलिंस को। वैसे गाइस नीचे कमेंट में बताओ कि स्पेशल गेस्ट हमें पॉल हेमन को बना के रखना चाहिए रोमन के मैच में या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही अनफेयर लगता है मगर मज़ा आता है देखने में। रोमन के पास सिग्नेचर बिल्कुल आने वाला है मगर रोमन ने कवर कर लिया। ओ भाई भाई भाई, बहुत ही जल्दी जल्दी काउंट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, दो काउंट हो गए। रोमन की बारी में बड़ा आरामी है ये, फास्ट फास्ट काउंट करता है। रोमन के पास सिग्नेचर, सेठ जरा संभल के, भाई 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 बच गया, रिवर्स कर दिया ड्रॉप किक के साथ। रोमन ने सीधा रिंग से बाहर, भाई काउंट ही नहीं कर रहा, स्लो स्लो कर रहा रोमन की बारी में। वैसे चीटिंग कम ही कर रहा है देखा जाए तो, मगर कर तो रहा है। अभी कैसा नॉर्मल काउंट कर रहा है। रोमन की बारी में बिल्कुल स्लो स्लो, रोमन ने लगा लिया अपना सिग्नेचर मूव गिलेटिन, वो भी रिंग के बाहर। स्टिल रेफरी अभी तक काउंट कर रहे हैं। सेठ ने बचा लिया खुद को गिलेटिन से। रोमन के पास फिनिशर सॉरी आ चुका है और सेठ की भी भाई सिग्नेचर और फिनिशर भी आने वाला है, तो दो फिनिशर हो जाएंगे सेठ के पास। एक फिनिशर तो तकरीबन आ चुका है, दूसरा भी आना, दूसरा तो सिग्नेचर लगाने के साथ ही आ जाएगा। तो रोमन रेंस का चैंपियनशिप मुझे क्यों खतरे में लग रहा है। रोमन रेंस ये वी द वंस करने का टाइम नहीं था। रोमन को सबमिशन लोग लगा दिया भाई, रोप ब्रेक दे दिया पॉल हेमन ने। पॉल हेमन बहुत आरामी फिनिशर मिस कर दिया। ओ भाई स्पेयर रोमन का, रोमन का स्पेयर फटाफट काउंट कर रहा है रेफरी। बहन क्या बोलूं मैं, रिवर्स कर दिया सेठ रोलिंस ने। भाई सेठ जितना रिवर्स करे उतना ही अच्छा है और जितना फिनिशर रोमन को लगा है उतना ही अच्छा। रोमन को एक और फिनिशर, बॉडी और हेड येलो कर दिया है सेठ ने। अब देखते कि ये रेफरी, ओ भाई रोप ब्रेक दे दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही चीटिंग कर रहा पॉल हेमन, इतना नहीं होता यार। सेठ रोलिंस ने ऊपर से चलांग लगा दिया रोमन के ऊपर, रोमन की हेल्थ बिल्कुल चली गई है। वैसे अगर ये रोप ब्रेक नहीं देता ना तो शायद से रोमन पिनफॉल हो जाता। सेठ रोलिंस अंदर चली जाओ रिंग के, फायदा नहीं है क्योंकि भाई वो रेफरी कभी भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है 10 काउंट करके, इन दोनों को पता भी नहीं चलेगा। रोमन ने भाई किक लगाया सेठ के फेस पे,
रोमन बहुत अच्छे जा रहे हो पोलेमन की बदौलत से। रोमन रेंस अब देखते हैं कि क्या करेंगे रोमन रेंस। सेठ का खतरनाक किक रोमन के बिल्कुल चेस्ट पे। सेठ रोलिंस स्टाइल मारने का टाइम नहीं है, रिवर्स कर दिया रोमन रेंस ने। फिर से किक फेस पे सेठ की। लाइट स्ट्राइक के साथ सेठ रिवर्स ना कर दे भाई, जैकहैमर लगा दिया जो कि गोल्डबर्ग का फिनिशर है। 1 2 3 भाई कितनी जल्दी फास्ट काउंटिंग करके रोमन को विन करा दिया पॉल हेमन ने। तो इसी के साथ रोमन रेंस के पास हो गए 2 चैंपियनशिप। आज के मैच के विनर है रोमन रेंस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी चैनल पे नए हो तो फटाक से कर दो सब्सक्राइब, और अभी तक नहीं भी किया तो कर दो सब्सक्राइब, बेल की नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। हम मिलेंगे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।